रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था गोलू चिड़ा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी। उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गोलू चिड़ा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ। ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गोलू चिड़ा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। पिंकी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बना कर अपनी माँ को देती है। टुनटुनी चिड़िया चाय पीने लगती है। पिंकी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ, क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ पिंकी चिड़िया, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। ये सब देख कर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब मिलकर अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देख कर टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी इधर आओ। टुनटुनी बहन, क्या मैं भी तुम्हारे लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी बहन, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये बहुत बड़ा घर है, हम सबने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।